सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। सो आज की वीडियो में हम कुछ इस टाइप की रील्स को एडिट करके बताएंगे। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि मैं इस टाइप के एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। सो बिना वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को एडिट करने के लिए आपको सिंपली एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम है VN ऐप। आपको सिंपली इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस प्लस के आइकन पर टैप कर लेना है, देन यहाँ पर से न्यू प्रोजेक्ट पर टैप कर लेना है। अब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो क्लिप का लिंक मिलेगा, आपको क्या करना है उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है एंड यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब आप जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पर आपकी वीडियो ऐड हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लास्ट में आ जाना है एंड यहाँ पर एक 3 सेकंड की एक ब्लैक लेयर होती है, जिस पर एक इनपुट टाइटल लिखा होता है, ठीक है। ये बेसिकली एक वाटरमार्क होता है। सो इसको आपको सिंपली क्या करना है, डिलीट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। आप जब भी VN में अपना प्रोजेक्ट इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले ये काम करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो वीडियो क्लिप आपने डाउनलोड की है उसके साउंड को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, मतलब अलग करना है इस वीडियो से। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी वीडियो क्लिप पर टैप कर लेना है एंड जो नीचे मेन्यू बार आपको दिख रहा है इसको राइट स्वाइप करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा जूम के बगल में, एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इस पर आपको सिंपली टैप कर लेना है। इससे क्या होगा, जो आपका साउंड है आपके वीडियो से अलग हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली अपनी वीडियो पर टैप करके इसको रिप्लेस कर लेना है। रिप्लेस किससे करना है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर स्टॉक में आप जाएंगे अगर, तो आपको एक ब्लैक लेयर मिलेगी, ठीक है। इस पर टैप करेंगे तो आपके ब्लैक स्क्रीन से ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है मैं बताता हूँ। अपनी जो साउंड आपने एक्सट्रैक्ट किया था, इसमें हमको कुछ बीट सेट करनी है, जिसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करेंगे और अपनी फोटोज को ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बीट सेट कर लेते हैं। इसके लिए सिंपली अपने यहाँ पर साउंड पर टैप करेंगे एंड यहाँ पर बीट्स के आइकन पर टैप करेंगे। अब जैसे मुझे एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक बीट ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस वाले आइकन पर टैप करूँगा तो हमारी बीट यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप बीट्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से सारी बीट्स को ऐड कर लेता हूँ। अब हमने यहाँ पर अपनी सारी बीट्स को ऐड कर लिया है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमने कितने कितने सेकंड पर बीट ऐड की है, या फिर आप यहीं पर देख कर भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना, सिंपली ओके कर लेना है। एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है स्टार्टिंग में ही, कि जब हमने ये अपनी वीडियो क्लिप रिप्लेस की ब्लैक स्क्रीन से, तो इसका साइज़ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ठीक है। वीडियो क्लिप का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। सो इसको फिर से 9x16 में करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, टॉप में आपको ओरिजिनल लिखा हुआ दिखेगा, आपको इस पर टैप करके 9x16 कर लेना है, ठीक है, और बैक आ जाना है। सो हमारी बीट यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी बीट्स पर आ जाना है। जैसे हमारी फर्स्ट बीट है, सो यहाँ पर आ जाएंगे एंड अपनी जो वीडियो क्लिप है इस पर आकर एक स्प्लिट ऐड कर लेंगे। सेम इसी प्रोसेस से हम सारी बीट्स पर आकर स्प्लिट ऐड कर लेंगे अपनी वीडियो क्लिप में, ठीक है। सो मैं जल्दी से इन्हें कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पर सारी स्प्लिट्स को ऐड कर लिया है। अब सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर हमें फर्स्ट में एक टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट के आइकन पर टैप कर लेना है एंड टॉप 3 ऑप्शन में से किसी भी एक साइज को चूज कर लेना है। सो मैं सेकंड नंबर वाला टेक्स्ट चूज कर लेता हूँ और अपने टेक्स्ट को लिख लेता हूँ यहाँ पर। सो कुछ इस टाइप से आप अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। मेरा टेक्स्ट थोड़ा स्क्रीन से बाहर जा चुका है। सो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर डबल ए वाले आइकन पर टाइप करेंगे एंड इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेंगे, ठीक है। सो मैं इसको अराउंड 12 कर लेता हूँ, परफेक्ट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली अपने जो टेक्स्ट है उसके फॉन्ट को चेंज कर लेना है। सो यहाँ पर मैं इस वाले फॉन्ट को यूज़ कर लेता हूँ, और भी कई सारे यहाँ पर फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको वाइट ही रहने देता हूँ एंड सिंपली ओके कर लेता हूँ, ठीक है। ओके हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसकी लेंथ को अपनी जो फर्स्ट वाली बीट है उतने तक रखना है, परफेक्ट, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ एनिमेशंस यूज़ कर सकते हैं अपनी जो टेक्स्ट है उसमें। इसके लिए आपको सिंपली मोशन पर टैप कर लेना है एंड आपको पहले क्या करना है, इन एनिमेशन ऐड करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कई सारे एनिमेशंस हैं, यहाँ पर एक फेड का है, स्केल का है जो बड़ा होता है, स्पिन का है। सो मैं सिंपली यहाँ पर फेड वाला एनिमेशन ऐड कर लेता हूँ एंड आउट एनिमेशन में भी यहाँ पर मैं फेड एनिमेशन यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में फेड आउट वाला एनिमेशन आएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको ओके कर लेना है, ठीक है। सो जब हमारी वीडियो प्ले होगी सो कुछ इस टाइप से होगी, जैसे स्टार्टिंग में ये हमारा टेक्स्ट फेड होगा एंड यहाँ पर फेड आउट होगा, ठीक है। सो हमारा टेक्स्ट ऐड हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली अपने जो ये बाकी के क्लिप्स हैं जो हमने स्प्लिट की थी, इनको रिप्लेस कर लेना है अपनी फोटो से, ठीक है। सो क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। अपनी इस क्लिप पर आ जाना है आपको एंड सिंपली रिप्लेस के आइकन पर टैप कर लेना है एंड अपनी फोटोज़ को सेलेक्ट कर लेना है। सो कुछ इस टाइप से आपकी फोटो ऐड हो जाएगी, ठीक है। सो इसी प्रोसेस से आपको सारी क्लिप्स को रिप्लेस कर लेना है अपनी फोटो से। सो मैं जल्दी से उसे कर लेता हूँ, परफेक्ट। तो हमने अपनी फोटोज़ को रिप्लेस कर लिया है। सो कुछ इस टाइप से हमारी फोटोज़ हैं। आप भी इसी टाइप से अपनी फोटोज़ या वीडियोज़ को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ एनिमेशन ऐड करने हैं अपनी सारी क्लिप्स में।
या आप कैसे करेंगे, आपको इनके बीच में जो प्लस वाले आइकन दिख रहे हैं इस पर टैप करके आपको एनिमेशन सेट करने हैं। सो आपको क्या करना है, सिंपली प्लस वाले आइकन पर टैप कर लेना है एंड यहाँ पर से कई सारे एनिमेशन हैं, आपको इनको ऐड कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट में जूम वन वाला एनिमेशन ऐड किया है एंड सिंपली ओके कर लेता हूँ। सो कुछ इस टाइप से यहाँ पर एनिमेशन होगा। तो सेम इसी प्रोसेस से आपको क्या करना है, यहाँ पर एनिमेशन ऐड कर लेना है, ठीक है। सो मैं जल्दी से उन एनिमेशन को ऐड कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको सिंपली इस वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। सो आपने देखा हमने कितनी इजीली अपनी इस वीडियो को एडिट कर लिया है। अगर आपको फिर भी इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप सिंपली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।